Hello students, welcome to GPS online English class. Hope you are enjoying your studies at home. Students, we are going to start our textbook in English. And the lesson number is 1. The name of the book is New Self-Learning English. Alright, hope all of you have it at home. स्टूडेंट्स, हम आज जिस लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया. बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या आप डांसेस के अलग अलग टाइप्स को जानते हैं? ट्राई कीजिए, सोचिए. इफ़ वी थिंक, हमारे दिमाग में कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्रेक डांस, या फिर जुम्बा, या फिर इंडियन डांसेस. ऑलराइट, तो हम कुछ इंडियन डांसेस को अगर हम जानना चाहेंगे तो कुछ डांसेस आप देखते हैं जो मूवीज़ में भी किए जाते हैं या स्टेज पर स्कूल के स्टूडेंट्स करते हैं. इन्हीं सभी डांसेस में से जो इंडिया का अपना ओल्ड ट्रेडिशनल डांसेस हैं, उन डांसेस में से सबसे ज़्यादा मशहूर या सबसे ज़्यादा फेमस क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया होते हैं. ऑलराइट, क्लासिकल डांसेस के कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, जैसे कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी. अब आप एक एग्जांपल सोचिएगा कि इंडिया का सबसे पुराना या फिर पहला क्लासिकल डांस कौन सा था. ऑलराइट, अब हम इसके साथ अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं. क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, लेसन नंबर 1. लेट अस सी, हियर वी गो. डांस इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया. डांस इंडिया का बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है, मतलब रीति रिवाज है, संस्कृति का पार्ट है, जो हम फॉलो करते हैं उसे ट्रेडिशन बोलते हैं. रीति रिवाज जो चला आ रहा है काफ़ी टाइम से. आवर कंट्री कैन बूस्ट ऑफ एन इन्यूमरेबल आई रिपीट आवर कंट्री कैन बूस्ट ऑफ एन इन्यूमरेबल नंबर ऑफ फोक एंड क्लासिकल डांसेस. अपने पास आप पेन या पेंसिल रखिएगा नोट करने के लिए. तो हमने देखा डांस एक इंडिया का बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, रीति है, और हमारे देश में हम बहुत गर्व के साथ, प्राउडली, बोस्ट ऑफ का मतलब यहाँ पर आएगा, वी कैन से प्राउडली, कि हम बहुत प्राउडली, बहुत गर्व के साथ इन्यूमरेबल, काउंटलेस, बहुत सारे, मैनी फोक डांसेस को, लोकगीत, लोक डांसेस को हम बता सकते हैं, उनका एग्जांपल दे सकते हैं. और ऐसे ही बहुत सारे क्लासिकल डांसेस के एग्जांपल्स भी हैं. दीज डांस फॉर्म्स आर अ स्पेशलिटी. ये जितने भी डांस करने के अलग अलग तरीके हैं, ये एक विशेषता है. किसका? ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और ट्राइब विद इट्स ओन एक्सपर्टीज एंड ग्रेस. मीनिंग कि ये जो अलग अलग तरह के डांसेस हैं, ये किसी विशेष पार्ट से जुड़े हुए हैं, किसी हमारे देश के किसी खास हिस्से से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से, या फिर ये किसी जनजाति वगैरह से भी जुड़े हुए हैं. जैसे पुराने समय में कोई आदिवासी हुआ करते थे, या अलग अलग प्लेसेस में रहने वाले, सिंपल लाइफ को बिताने वाले लोग. तो जो शुरू में जो लोग थे उनसे भी जुड़े हुए हैं, यानी कि उनसे ही, उनके रहन सहन का पार्ट थे ये फोक डांसेस, और उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज और ग्रेस थी
एक्सपर्टीज और ग्रेस का मीनिंग, एक्सपर्टीज का मतलब हो गया उनकी अपनी एक खास एक्सपर्ट तरीका, एन एक्सपर्ट वे। ग्रेस मीन्स ब्यूटी। तो उनके लाइफ से जुड़ी हुई जो एक स्किल थी, जो एक एक एक्सपर्ट तरीका था और जो उसकी सुंदरता थी, उसको ये डांसेस, क्लासिकल डांसेस शो करते थे। ऑलराइट, नाउ अलोंग विद अ सेट ऑफ कॉस्ट्यूम्स, इन डांसेस को जब किया जाता था तो ये खास तरह की कॉस्ट्यूम्स को पहनते थे। जैसे आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में, ये डांसर्स ने एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, वाइट ग्रीन, अलग अलग तरह के डांस के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहना हुआ करता था, एंड मेकअप, और वो अपने शक्ल पर भी उसी तरह से रंग रूप कर लिया करते थे, मेकअप करते थे। सो डांस इज एन आर्ट, डांस करना एक आर्ट है। आर्ट का मतलब एक ट्रेनिंग को लेकर सीख कर किया हुआ एक खास तरीका, अ ल्यूसिड एक्सप्रेशन। अ ल्यूसिड एक्सप्रेशन का मतलब एक बिल्कुल ही क्लियर, जो बहुत इजीली समझ में आ जाए, वो एक तरीका है। एक्सप्रेशन आप समझते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को अपने हाथ से, आंखों से या फेसेस से बता सकते हो, उसे एक्सप्रेशन करना बोलते हैं। ऑफ ह्यूमन बींग्स की डांस की जो आर्ट फॉर्म है, ये जो डांस एक आर्ट है, ये एक्सप्रेशंस को शो करती है ह्यूमन बींग्स के, मतलब जो इंसान है वो कैसे अलग अलग चीज़ों को, भावों को या बातों को डांस के थ्रू बता सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को। ऑल राइट, वेयर वन कैन एक्सप्रेस वंस थॉट्स विदाउट वर्ड्स, कि इन डांसेस में विशेषता क्या है, जो क्लासिकल डांसेस हैं इनमें हम बिना बोले हुए अपने थॉट्स को, जो हमारे विचार हैं, उनको डांस के अलग अलग एक्सप्रेशंस के थ्रू बता सकते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनको। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, लक्षण है इन क्लासिकल डांसेस इज, वो क्या है क्लासिकल डांसेस में, इज द यूज ऑफ मुद्रास और हैंड जेस्चर्स। जो हाथों से अलग अलग प्रकार, उंगलियों से जो उनको अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, उंगलियों को अलग अलग रूप देकर, उंगलियों को अलग अलग तरह से मुद्राएं बनाकर, शक्ल बनाकर उंगलियों की, और हाथों से अलग अलग तरह से मोड़ कर उनको डांस के को दिखाया जाता है। दीज जेस्चर्स, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आर यूज टू नरेट अ स्टोरी। ये एक स्टोरी को भी बता सकते हैं, मतलब कि बिना बोले हम क्लासिकल डांस से किसी स्टोरी या किसी मैसेज को दे सकते हैं। और डिपिक्ट सर्टन ऑब्जेक्ट्स लाइक वेदर, नेचर, और इन्हीं एक्सप्रेशंस के थ्रू हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ चीज़ों को, जैसे वेदर, मौसम, नेचर, प्रकृति, और इनर फीलिंग्स ऑफ लव या फिर प्यार, स्नेह, केयर, सावधानी रखना, किसी का देखभाल करना, एंगर, गुस्सा, इन सभी को भी दर्शा सकते हैं। मतलब हम अपने चेहरों से, हाथ के माध्यम से इन सभी फीलिंग्स को भी इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो एक डांस का पार्ट होती है। ऑल राइट, डांसेस, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन एवरी पॉसिबल ओकेशन, मीनिंग कि डांस को परफॉर्म किया जाता है हर किसी भी मौके पर। कोई फेस्टिवल हो सकता है, जैसे त्योहार होते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम हो सकता है,
कोई सोशल मैसेज भी हो सकता है किसी को देने के लिए। अब वो कौन से ओकेशंस बुक में बता रखे हैं, टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ सीजन्स, कि अलग अलग सीजन्स शुरू हो गए हैं उनको बताने के लिए भी डांस एक तरीका है। दूसरा एग्जाम्पल है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, डांस को हम यूज कर सकते हैं किसी बर्थ ऑफ चाइल्ड के मौके पर जब हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ है घर में, उसके वो एक खुशी का मौका है, उस पर भी हम डांस कर सकते हैं। तो पता चलता है कि ये जो डांस है ये उस जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से शादी में, विवाह में या फिर और फेस्टिवल से जुड़े हुए भी डांसेस होते हैं। और देखिए, थ्री बेस्ट नोन डीटीज ऑफ हिंदुइज्म, जो भारत में, हिंदुस्तान में जो हिंदुइज्म से जुड़े हुए तीन भगवान हैं, जैसे शिवा, काली एंड कृष्णा, आर टिपिकली, ये विशेष तौर पर, विशेष रूप से आर रिप्रेजेंटेड बाय डांसिंग, कि मुद्राओं के द्वारा, डांस के द्वारा इन तीनों को, शिवा, काली और कृष्णा को डांस के द्वारा शो किया जाता है। डांस हैज इट्स ओन पैशन, मतलब डांस की एक अपनी बहुत गहरी डिजायर होती है, शौक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिंगिंग इज माय पैशन, डांस इज माय पैशन, मतलब ये आपका एक शौक, एक बहुत गहरी रुचि का हिस्सा होता है। इंडियन क्लासिकल डांसेस, विशेष रूप से जो इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, जैसे कि एग्जांपल था कथक या फिर कुचिपुड़ी, ये जो डांसेस हैं इनको यूज किया जाता है टू इलस्ट्रेट, ये दर्शाने के लिए, इवेंट्स फ्रॉम पुराणास, जो भारत के कुछ ग्रंथ हैं जिनको हम पुराणास बोलते हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनमें भी कुछ बातें बताई गई हैं रिलेटेड टू और डिस्क्राइबिंग विष्णु। तो उनमें भी जो भगवान विष्णु से जुड़ी हुई या उनको बताने के लिए जो बातें बताई गई हैं वो भी डांस के थ्रू हम बताया करते हैं। नेक्स्ट इज रास लीला इज परफॉर्म्ड, रास लीला इज परफॉर्म्ड टू ड्रामेटाइज द लव ऑफ कृष्णा एंड गोपीज इन वृंदावन, यानी कि जो रासलीला होता है वृंदावन में, जिसमें भगवान कृष्ण, श्री कृष्णा और गोपीज ड्रामा करते हैं, मतलब ड्रामेटाइज करते हैं, डांस के थ्रू बताते हैं कि भगवान श्री कृष्णा और गोपीज में आपस में किस प्रकार से स्नेह है। तो हमने पता किया कि डांसेस के थ्रू कैसे, इंडियन क्लासेस डांसेस के थ्रू हम कैसे अलग अलग बातों को पहुंचा सकते हैं लोगों तक, मैसेजेस दे सकते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। हमने आज इस बुक का, इस लेसन का छोटा सा हिस्सा किया है और इसमें जो कुछ वर्ड्स आए हैं नए उनको भी आपने लिख लेना है। जैसे अभी जेस्चर्स वर्ड आया था, एक्सप्रेशंस, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। एंड ल्यूसिड वर्ड आया था, क्लियर, ल्यूसिड, क्लियर, ग्रेस, ब्यूटी, एक्सपर्टीज, स्पेशल स्किल, इन सब चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। ऑल राइट और उसके अलावा आप फिर वर्कशीट में इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने इनमें से ढूंढना है। ऑल राइट, वी विल कंटिन्यू विद द लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। So as usual, you have to write it, you have to revise it, and you have to memorize it as well. I wish you good luck. Take care of yourself. Goodbye. Thank you.